हे गाइस, माय नेम इज़ जय। वेलकम बैक टू जेपी स्टूडियो। दोस्तों, इस VFX शॉर्ट फिल्म को हमने अपने मोबाइल फ़ोन में शूट और एडिट किया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इस वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में शूटिंग और एडिटिंग करनी है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना। और अगर आपको ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग ऐसे ही शॉर्ट फिल्म्स और मोबाइल वीडियोग्राफी के ऊपर वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो हमारी चैनल जरूर से विजिट करना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, शूटिंग की बात की जाए तो इसे हमने बारिश के दूसरे दिन शूट किया था, क्योंकि हमें अपनी शॉर्ट फिल्म में पानी चाहिए था। और दोस्तों, ये रोटेशन की बात की जाए तो ये मैंने अपने हाथों से किया था। आप भी दोस्तों अपनी शॉर्ट फिल्म में ऐसा रोटेशन शॉट डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही कूल लगता है। ये थोड़ा टफ है रोटेशन करना, क्योंकि मॉडल को हमें अच्छे से सेंटर में रखना पड़ता है। तो इस पर हमने ऑलरेडी एपिसोड बनाया हुआ है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो, हमारी चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो अब हमें हमारी शॉर्ट फिल्म के फर्स्ट सीन को अलग अलग कैमरा एंगल लेके वीडियो शूट कर लेना है, जिससे सिनेमैटिक लगे। और गाइस, शूट करते वक्त हमें वीडियो स्टेबिलिटी का ज्यादा ध्यान रखना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने वीडियो स्टेबिलिटी के लिए ट्राइपॉड तक का यूज किया था, लेकिन इससे भी मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो कितना अनस्टेबल है। फिर दोस्तों, इसे मैंने मोबाइल फोन में स्टेबल किया तो आप इसका रिजल्ट देख पा रहे होंगे। ये जो लेफ्ट साइड है वो अनस्टेबल वीडियो है और राइट साइड स्टेबल वाला वीडियो है। सो गाइस, इसे मैंने अपने मोबाइल फोन में स्टेबल किया। तो अगर आपको नहीं पता कि मोबाइल फोन में कैसे स्टेबल करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, VFX के लिए हमने कुछ ऐसा प्रैक्टिकली ट्राई किया था जिससे रियल लगे, और पानी में पत्थर फेंक के हमने कुछ ऐसी इफेक्ट देने की कोशिश की थी। जब फर्स्ट मॉडल सुपर पावर पंच मारता है तो वो पानी में लगे, और हमारा ये आइडिया काम लग गया, बहुत ही कूल लग रहा था वीडियो में। फिर गाइस, आगे की कहानी तो आप सभी को पता ही होगा कि दोनों के पास सुपर पावर होती है और वो दोनों ही लड़ते। So, अगर आपको हमारा शूटिंग का कॉन्सेप्ट और समझाने का स्टाइल पसंद आया हो तो हमारी चैनल को जरूर से एक बार विजिट करना। आपको ऐसे ही तरह तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बहुत कुछ एडिटिंग और शूटिंग में सीखने को मिलने वाला है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, और कमेंट में हमें नेक्स्ट वीडियो का सजेशन जरूर से देके जाना। चले गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को कैसे एडिट करना है। दोस्तों, एडिटिंग की बात की जाए तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये मेरा प्रोजेक्ट है जो VFX शॉर्ट फिल्म का है। यहाँ पे मैंने इतना सब एडिट करके रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इतने सारे लेयर्स हैं और साउंड इफेक्ट बहुत सारे हैं, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक है। और गाइस, ये सारी चीज़ें मैं एक एपिसोड में सब कुछ नहीं समझा सकता, आपको भी पता ही होगा ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप भी कंटाल जाओगे, पूरी वीडियो देख नहीं पाओगे। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत सारे एपिसोड्स बना के रखे हैं। सबसे पहले बात ले लो रोटेशन वीडियोग्राफी पे, तो इस पे एक एपिसोड बनाया हुआ है। फिर फ्लाइंग इफेक्ट पे अलग से एक एपिसोड है। फिर दोस्तों, कलर ट्रांजिशन पे है और कलर ग्रेडिंग पे भी एक एपिसोड बनाया हुआ है। दोस्तों, सुपर पावर इफेक्ट VFX वाले पे भी एपिसोड है, तो आप जरूर से एक बार हमारी चैनल विजिट कर लेना, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वीडियो पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 85% लोग तो सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देख रहे हैं। फोकट में वीडियो देखते हो कानू, वो डंडाला, वो ड्रोन वाला डंडाला। तो दोस्तों, अगर आपने मोबाइल ड्रोन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।